तो पिछले में हम ट्रांसफार्मर की जितनी भी चीज़ें थी उसकी वर्किंग संरचना टाइप और ईएमएफिक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आदि चीज़ का अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो किसी परिणामित्र के प्राथमिक कुंडली में जब साइनोसोडल या एसी वेव फॉर्म हम सप्लाई करते हैं तो आयरन कोर में उत्पन्न एसी फ्लक्स की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली के साथ लिंक होना नीचे चित्र में दर्शाया गया। देख लीजिए, ये नीचे चित्र में दर्शाया, जैसे मैंने एसी सप्लाई दिया तो ये लिंक होता है टी बाई फोर, ये पूरा चीज़ है। तो ये है आपका टोटल टाइम टी, और इसका चार गुना कर दिया तो टी बाई फोर। यदि मैं इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में करता हूँ तो टी इक्वल टू होता है वन बाई एफ, टी इक्वल होता है वन बाई एफ। अब मैंने टी की वैल्यू क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया, ये हो गया वन बाई फोर एफ। अब देखते हैं आपका औसत फ्लक्स में परिवर्तन में लगा समय, ये डी टी बाई डी टी परिवर्तन की दर डी फाई बाई डी टी फाई एम अपन फोर फाई, मैंने डी टी की वैल्यू रख दिया। उसके बाद ये पूरा कैलकुलेट होने के बाद ये आ गया, और उसके बाद इनमें क्योंकि आरएमएस वैल्यू हमको एवरेज वैल्यू निकालना है, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू 1.1। ये आपका ईएमएफ इक्वेशन बहुत शॉर्टकट मेथड में ये रहता है, E2 का ये। उसके बाद है ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहली बात, ओपन सर्किट टेस्ट में हम सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखते हैं और प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं। क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो आपका आयरन लॉस पी आई को आपका क्या कर रहा, फाइंड कर रहा शून्य लोड में। शून्य लोड क्यों बोला जाता है, क्योंकि सेकेंडरी साइड इसका ओपन रहता है, इसलिए इसको शून्य लोड बोला जाता है। सर्किट डायग्राम की हम चर्चा करते हैं, तो ये आपका एसी सप्लाई है, यहाँ से आई करंट गया, ये वाट मीटर है जहाँ पे आयरन लॉस मेजर होगा, ये मीटर है जहाँ पे करंट मेजर होगा, ये वोल्ट मीटर है जहाँ पे वोल्टेज मेजर होगा, है ना। और ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो ओपन है ये इस टाइप से। तो अब हम ये सारा चीज़ें डिस्कस कर लिए, अब देखते हैं धीरे से क्या होता है कि चूँकि हम द्वितीयक वाइंडिंग को धारा प्रवाह नहीं होती, अतः इसमें प्राथमिक कुंडली में धारा केवल वह धारा होता है जो नो लोड धारा होता है, जो 5-10% होता है, क्योंकि इसमें ताम्रहानि निम्न होता है। तो हम खुले परिपथ में आपका R0 X0 शून्य लोड पर शक्ति गुणांक पावर फैक्टर हाई धारा की लोड की याद करते हैं, तो इस टाइप से रहता है आपका, आपका ये रहता है फाई, यहाँ मैग्नेटाइजिंग करंट, यहाँ पे वर्किंग कंपोनेंट, दोनों को 90 डिग्री में कर दीजिए तो ये आई नॉट खोल गया, टोटल लॉस ये डिग्री 30 रहता है, 30 डिग्री का रहता है। अब फार्मूला देख लीजिए, पी आई आयरन लॉस इनपुट V1 VI cos फाई, ये पूरा रख दिया तो आई नॉट की वैल्यू ये हो जाती है। अब देखते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इस टेस्ट में परिणामित्र की अधिकतम वोल्टेज साइड में आप क्या करते हो, शॉर्ट सप्लाई देते हो, और लो वोल्टेज साइड को आप क्या कर देते हो, शॉर्ट कर देते हो। बाकी चीज़ें वैसी रहेगी जैसी हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट में किए, बशर्ते यहाँ पे शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो जब हम इस वाइंडिंग में धीरे 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 पावर सप्लाई देते हैं तो आपका वाइंडिंग का जो हीटअप होता है वहाँ पे आयरन लॉस ज्ञात हो जाता है। तो ये जेड इक्वल टू वी एस अपन सेकेंडरी वोल्टेज अपन सेकेंडरी करंट होता है, कॉस फाई वी एस आर एस जेड एस अपन, ये फार्मूला है और इसका सारा चीज़। तो ये है आपका ट्रांसफार्मर का बेसिक चीज़ें, जिसमें ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट ईएमएफ इक्वेशन ये सारी चीज़ें आपका मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपका डिस्कशन हो जाता है।